हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इसके पहले के हमारे सारे वीडियोस को आप सब ने जरूर से देखा होगा। ठीक है, तो आज हमारा ये नाउन का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले नाउन के फर्स्ट लेक्चर में हमने आप सबों को नाउन के बारे में डिटेल में बताया था और हमने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि अलग अलग आधार पर नाउन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया। जैसे हमने डेफिनेशन के बाद आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें हम लोग प्रॉपर नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक पढ़ते आए हैं बचपन से। फिर अगेन हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर अगेन हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। और फिर हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें हम लोग मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन ये सब पढ़ते हैं बचपन से। ठीक है, और इतना बताने के बाद फिर हमने आपको उसके आगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें पिछले क्लास में हमने आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन पढ़ाया था। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के वो सारे कॉन्सेप्ट हम सबों ने सीखे थे, जिस पर बेस्ड आपके एसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम सबों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग उसके आगे बढ़ाएंगे, दैट इज कॉमन नाउन के आगे। आज के इस क्लास में हम लोग मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड देन चलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन की तरफ। और इन सारे टाइप्स पे बेस्ड वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जिससे आपके एसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास से बिल्कुल ही अलग पैटर्न में पढ़ते आ रहे हैं। नाउन को हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप बचपन से नाउन को जानते हैं, इनके टाइप्स को जानते हैं, लेकिन इन टाइप्स पे बेस्ड किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम में से बहुत कम लोगों को ही पता होता है। ठीक है, तो हम एकदम आराम से बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम वो सारे पॉइंट भी डिस्कस करते हैं जिसको लेके आप अपने ट्रेडिशनल डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कहीं कहीं मुश्किल में फंसते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज के अपने इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने के पहले फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इन सबों पे चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग मटेरियल नाउन से और सीखें कि मटेरियल नाउन क्या है, कैसा है। बचपन से हम लोगों ने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको मेजर किया जा सके, अर्थात जिसको मापा या तौला जा सके। जैसे पेट्रोल या पानी, उसको हम लोग मेजर करते हैं लीटर में। ठीक है, ऐसा हम सबों ने पढ़ा था। अब जरा देखिए, जो लकड़ी है, जो टिम्बर वाली लकड़ियाँ हैं, जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उसको टिम्बर वाले दुकान वाले जो होते हैं वो किसी से खरीदते हैं। और वो अल्टीमेटली आता कहाँ से है, तो या तो जंगल से आता है या किसी किसान से खरीद कर लाया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जिस किसान से वो पेड़ खरीदा जाता है, उस किसान के पास उस टिम्बर वाली लकड़ी को या पेड़ को मेज़र करने का कोई पैमाना नहीं होता, बस वो निगाहों से देखा जाता है और देख के अनुमान लगा के उसको खरीदा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो हरी घास होती है उसका क्या यूज़ है, उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं? इनका हमारे आपके पास शायद ही कोई मेजरमेंट यूनिट होता है। डस्ट यानी धूल, इसको मेजर करने का कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेज़र करने के बहुत सारे पैमाने हमें और आपको पता नहीं होते और संभवतः यूज भी नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे जो ग्रेनाइट होता है या जो स्टोन होता है, वो स्टोन अल्टीमेटली आता कहाँ से? तो पहाड़ों से आता है। हमारे आपके घर में जो मेटल के चिप्स लगते हैं, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगते हैं, पिलर्स वगैरह में जिनका यूज किया जाता है, या जो रूफ़ कास्टिंग होती है, छत जो बनाया जाता है उसमें उनका यूज होता है। ठीक है, तो आखिर वो आते कहाँ से? उसके लिए पहाड़ की नीलामी होती है। अब उस पहाड़ को मेज़र करने का कोई स्टैंडर्ड पैमाना शायद ही हमें या आपको पता होता है।
ठीक है। तो ऐसे कुछ जगहें हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा आपका जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है मटेरियल नाउन का, वो हमको और आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाता है, थोड़ा सा मुसीबत में डाल जाता है, वहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज होते हुए नज़र आते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप कन्फ्यूज होते हैं, वहाँ पे हमारा एक दूसरा इम्प्रूव्ड डेफिनेशन है, उसको आप यूज़ करें, सभी जगहों पे आप अपने आप को स्मूथ फील करेंगे। दूसरा डेफिनेशन क्या है इसको सीखते हैं हम लोग। देखिए, दूसरा डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी नाउन, अब पिछले क्लास में हमने आपको बताया था नाउन का मतलब नाम और नाम का मतलब नाउन, ठीक है। तो नाउन का मतलब नाम और नाम का मतलब नाउन, तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसका यूज करके कुछ भी दूसरा बनाया जाता हो या बनाया जा सके, ऐसे सारे नाउन्स को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आप बचपन से पढ़ते हैं, वाटर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह। अब जरा देखिए, वाटर का यूज़ सब्जी बनाने में भी होता है, दाल बनाने में भी होता है और बहुत सारी चीज़ों के निर्माण में होता है, ठीक है। जिस स्टोन की, चिप्स की हम बात कर रहे थे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों की, कंकड़ की हम चर्चा कर रहे थे, उसका यूज़ मकान बनाने में होता है। बात समझ में आ रही है। हमारे आपके घर में जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, उनका यूज़ सब्जी बनाने में, दाल बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों के निर्माण में यूज होता है। बात समझ में आ रही है। जो हरा घास होता है उसका भी कहीं ना कहीं यूज होता है जानवरों के चारे के रूप में, तो उसको यूज करके जानवरों का चारा बनाया जाता है। पैडी यानी धान का जो छिलका होता है उससे रिफाइंड ऑयल बनता है और भी कई चीज़ें उससे बनती हैं, ठीक है। महिलाओं के जो बाल होते हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज में या कहीं कहीं और दूसरे क्षेत्रों में भी आप देखते हैं कि महिलाओं के जो लंबे लंबे बाल होते हैं, बाल तो हमारे भी सर में है, आपके भी सर में है, लेकिन पुरुषों के बाल का कोई यूज नहीं होता, ठीक है, सामान्य तौर पे। लेकिन महिलाओं के बाल जनरली लंबे होते हैं और उनके बाल जब टूटते हैं तो ऐसे कुछ एरियाज हैं अपने देश में जहाँ पे वो बिकता है, उसकी खरीद बिक्री होती है। और उसका यूज़ क्या है भाई, तो उसका यूज है विग बनाने में, ठीक है। तो हेयर भी एक प्रकार से क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा कोई भी नाम, ऐसा कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग करके, जिसका यूज करके कुछ भी दूसरा बना लिया जाए, ऐसे सारे उन नाउन्स को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि मटेरियल नाउन का एग्जांपल देने की, लिखवाने की आपको कोई ज़रूरत है। तो आइए अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि मटेरियल नाउन के वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन पर बेस्ड आपके SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मटेरियल नाउन के पॉइंट नंबर 1 से। पहला पॉइंट देखिए क्या है। पहला पॉइंट है एक्सेप्ट ड्रग्स। It is always singular and takes a singular verb. एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ड्रग्स को छोड़कर ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। इन सबको हम लोग समझना शुरू करते हैं। दूसरा, ड्रग्स इज ऑलवेज प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब सीखें कि ये ड्रग्स क्या होता है और ये रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है। अब आइए इनको हम लोग सीखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखना शुरू करें कि ड्रग्स क्या है, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको सीख जाएंगे तो बाकी ये रूल नंबर 1 जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। फिर भी हम लोग एक बार उसकी चर्चा करेंगे। हमारे आपके खेतों में यदि कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, बाकी लोग भी समझ सकते हैं। अब चूंकि जो विलेज से जुड़ा हुआ बच्चा है वो उस परिवेश में रहता है, उसको देखता है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा रियलाइजेशन होता है, उसके टच वाली बात होती है। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो खेत होता है उसमें फसल किसान उपजाते हैं, तो गाँव में सरसों खेतों में उपजता है, ठीक है, सही है। अब गांव में जो किसान सरसों उपजाता है उस सरसों का यूज़ क्या होता है, चाहे वो पीली सरसों हो या काली सरसों हो,
ठीक है, जिसको हम लोग राई भी बोलते हैं। तो आखिर इनका यूज़ क्या है, तो इनका यूज़ क्या है भाई, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल निकालने में। अब आप उस मस्टर्ड ऑयल का रिफाइंड बनाएं या नॉन रिफाइंड हो, कच्ची घानी हो, ठीक है, लेकिन उसका अल्टीमेट यूज़ क्या होता है, निकालने में, तेल निकालने में, एडिबल ऑयल्स के रूप में उसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं, चाहे वो रिफाइंड ही क्यों ना हो, कोई भी रिफाइंड हो, सबसे फास्ट जो कच्ची घानी होती है, गाँव में एक मिल होती है जैसे आटा चक्की होता है, वैसे तेल निकालने वाली भी चक्की होती है, मिले होती हैं, वहाँ पे गांव का जो किसान है या उससे जुड़े हुए जो परिवार के सदस्य हैं, वो क्या करते हैं कि सरसों लेके जाते हैं और वो जो मिल वाला है उनको तेल निकाल के देता है, ठीक है। अब आप उस तेल को जिस किसी भी बर्तन में रखेंगे, कुछ दिनों के बाद, दो चार दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि उस बर्तन के बॉटम में कुछ कचरा, कुछ गंदगी इकट्ठा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेग्स। और ये जो फॉर्मेशन है ड्रग्स का, ये सारे के सारे एडिबल ऑयल्स में देखा जाता है। रिफाइंड हो तो उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि वो तीन चार बार ऑलरेडी रिफाइंड होता है, फिल्टर्ड होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कच्ची घानी फिल्टर्ड नहीं होती है उसके कंपैरिजन में, रिफाइंड के कंपैरिजन में, फिल्टर वो भी होती है, बट वो जो तेल निकालने वाली मशीन होती है उसी में उसका जो फिल्ट्रेशन होना होता है हो चुका होता है, ठीक है। चलिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रेग्स। और ड्रेग्स एकमात्र ऐसा मटेरियल और अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा और हमेशा होता है प्लूरल, और इसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब यूज किया जाता है प्लूरल। एक बात का ध्यान रखेंगे कि ड्रेग्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, तो देखिए इनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते चले। ड्रेग्स के एंडिंग में, लास्ट में देखेंगे, हमेशा यहाँ एस लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इस एस को आप हटा नहीं सकते, इस एस को रिमूव करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या यदि ड्रेग्स में एस लगा हुआ देगा तो फिर इसके बाद जो वर्ब होगा उस सेक्शन में एरर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्रेग्स वाले केस में दो सेक्शन में एरर मिलेगा, एक ड्रेग्स वाले सेक्शन में और इसके बाद वर्ब वाले सेक्शन में। तो ड्रेग्स को छोड़कर रिमेनिंग जितने भी मटेरियल नाउन है उसको आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि ऐसे सारे नाउन जिससे कुछ भी दूसरा वस्तु बनता हो या बनाया जाता हो या बनाया जा सके, ऐसे सारे नाउन को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो ड्रेग्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे मटेरियल नाउन हमेशा और हमेशा रहेंगे सिंगुलर, उनका कभी प्लूरल नहीं बन सकता और उनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ में आई। तो इतना ये दो रूल था, आइए अब इन दोनों रूल्स पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर चलते हैं इनके आगे के रूल्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ड्रग्स की। ड्रग्स इज स्टिंकिंग, स्टिंकिंग, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया जा सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, गोल्ड, गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। अब देखिए इन दोनों ही एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, तो होगा कैसा, सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो ये पार्ट भी करेक्ट, ये पार्ट भी करेक्ट, दैट इज ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब इस वाले पार्ट में देखें तो हमने आपको पहले से बता रखा है, या तो इस सेक्शन में एरर मिलेगा या इस वर्ब के सेक्शन में एरर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका ऐसे हम लोग नहीं हटा सकते, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, तो ये पार्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये जो वर्ब है इसके साथ वर्ब कैसा यूज करते हैं, प्लूरल, तो ये वर्ब है सिंगुलर, इसकी जगह में क्या यूज करना होगा, आर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं मटेरियल नाउन के रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए मटेरियल नाउन का रूल नंबर 3 क्या कहता है, जनरली, जनरली इट डज नॉट टेक एनी आर्टिकल, ठीक है। रूल नंबर 4 को भी लिखते हैं, फिर दोनों को एक साथ हम लोग समझेंगे। इफ इट इज यूज्ड इन स्पेसिफिक सेंस, इफ इट इज यूज्ड इन स्पेसिफिक सेंस, इट टेक्स आर्टिकल द। तो इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द का। इसको ठीक से जरा सीखिए आप, देखिए इसमें क्या है और इनका कॉन्सेप्ट कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले कि सामान्य तौर पे किसी भी मटेरियल नाउन के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते,
सामान्य तौर पे किसी भी मटेरियल नाउन के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, किंतु यदि मटेरियल नाउन स्पेसिफिक हो, यदि मटेरियल नाउन का यूज किसी स्पेसिफिक सेंस में किया गया हो, निश्चित या विशेष अर्थ में किया गया हो, तो वहाँ पे उस मटेरियल नाउन के साथ हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द का। जैसे गोल्ड मटेरियल नाउन है, हम कहें द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, तो जो गोल्ड है अब स्पेसिफाइड हो गया, हम पूरे दुनिया भर के या किसी भी गोल्ड की चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के गोल्ड की चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है इस तरीके से, तो स्पेसिफाइड हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द। तो आइए अब इनका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं अ मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वॉटर ऑफ द गंगा प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हिंदूज। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हम लोग सीखें कि यहाँ पे किस तरीके से एरर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करें ये दोनों क्या है, मटेरियल नाउन। अब देखिए यहाँ पे दूध मानव जाति के लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये दूध चाहे गाय का हो या भैंस का हो, दूध अलग अलग प्रकार के आते हैं, पाउडर वाले दूध भी आते हैं। ठीक है, ये कौन सा मिल्क है स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसके पहले हम लोग यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये वाटर तो है, हमारे आपके घर में भी कई प्रकार के पानी, जैसे हमारे आपके घर में आरओ वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, एक्वागार्ड कम से कम लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे आपके घर में पानी है, लेकिन हर पानी का यूज वो नहीं है, हर पानी का इम्पोर्टेंस वो नहीं है जितना कि गंगा के पानी का है। ठीक है, इसी के तरीके से आप देखेंगे कि कहीं कहीं का जो वाटर है, दुनिया के अलग अलग जगहों का जो वाटर है, वो अलग अलग धर्मावलंबी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वाटर है ये स्पेसिफाइड हो गया, हम दुनिया के सभी वाटर्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी भी पानी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गंगा के पानी की चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि ये मटेरियल नाउन है, बट यहाँ पे स्पेसिफाइड हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस वाटर के पहले क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे आर्टिकल द का, द वाटर ऑफ गंगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मटेरियल नाउन के बाद आगे हम लोग चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग सीखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। सबसे पहले देखिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग हम लोगों ने जो बचपन से सीखा है वो ये कि जिसको फील किया जा सके, ऐसा कोई भी नाउन जिसको न देखा जा सके, न छुआ जा सके, न महसूस, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके। ठीक है, और ये जैसे हमने आपको नाउन के बारे में बताया था कि जो नाउन वर्ड है ये इंग्लिश में कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड नोमेन से डिराइव होकर बना नाउन। इन द सेम वे ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है फील। मीनिंग क्या होता है, टू फील, यानी हिंदी में कहें हम लोग महसूस करना। तो ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ऐसे सारे नाउन्स को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, जैसे लाफ्टर हंसी, जैसे खुशी, गम, दुख वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल की भी हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधी बात करते हैं कि इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सिंपली उस पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके रूल नंबर वन की तरफ। रूल नंबर वन क्या है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा होता है सिंगुलर और वर्ब लेगा सिंगुलर। ठीक है, जैसे एग्जांपल होना चाहिए, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लव इज
लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब ये लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए ये कैसा हो गया? सिंगुलर। वर्ब कैसा ले रहा है? सिंगुलर। तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये सेंटेंस कैसा हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नेक्स्ट रूल की तरफ। इनका अगला रूल है रूल नंबर 2। जनरली इट डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। जनरली इट डज नॉट टेक एनी आर्टिकल, सामान्य तौर पे इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है इसको आइए देखते हैं हम लोग। इफ इट इज यूज्ड इन स्पेसिफिक सेंस इट टेक्स आर्टिकल द। तो सामान्य तौर पे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, किंतु यदि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किसी निश्चित या विशेष अर्थ में किया जाए तो जैसे ही वो निश्चित या विशेष अर्थ में यूज होगा उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो वो ग्रामेटिकल एरर बनेगा। तो आइए अब इनका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और चलते हैं इनसे आगे। जैसे इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेवरी ऑफ जॉन, इसको थोड़ा ठीक से लिखे हम लोग, ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। अब देखिए ये जो ब्रेवरी है, ये ब्रेवरी क्या है? तो ये ब्रेवरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ब्रेवरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखिए इस ब्रेवरी का यूज आप चेक कीजिए किसी स्पेसिफिक सेंस में हो रहा है या इन जनरल हो रहा है। अब इसका हिंदी थोड़ा सा हम लोग समझें। ये देखिए आर्क का ए कैपिटल लेटर में है, जॉन का जे कैपिटल लेटर में है, अर्थात ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, और ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रांस का एफ कैपिटल लेटर में है, दैट इज ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसको तो आप जानते ही हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। अब इसका हिंदी मीनिंग हम लोग समझें। आर्क के रहने वाले जॉन का बहादुरी फ्रांस के इतिहास में फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में जाएं, हिंदू अध्यात्म में यदि हम लोग जाएं, तो हम लोग कहते हैं कि लंका के रहने वाले रावण की बहादुरी पूरे दुनिया में विख्यात है। ठीक है, तो रावण भी बहुत सारे थे, लेकिन हम सारे रावण की चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस रावण की चर्चा करते हैं जो कहाँ का था? लंका का रहने वाला। ठीक है, और उस रावण की बहादुरी की चर्चा करें तो अब वहाँ पे ब्रेवरी क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइड होगा। तो उसके पहले फिर हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे ये जो ब्रेवरी है स्पेसिफाइड हो गया, इसलिए इसके पहले हम लोग यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क एंड सो। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे तो ब्रेवरी का जो भी कैपिटल में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्मॉल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है द ब्रेवरी इज अ बून ऑफ गॉड which cannot be enjoyed by a craven। अब क्रेवन होता है, क्रेवन का मीनिंग होता है डरपोक, कायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, बून का मतलब वरदान। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का मीनिंग आपको आता ही है। अब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? बहादुरी भगवान का एक वरदान है जिसका आनंद कायर लोग, डरपोक लोग नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते। ठीक है,
अब जरा यहाँ पे आप देखिए, फिर से ये जो ब्रेवरी है ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दुनिया में किसी को कोई भी बहादुरी मिली है या कोई भी क्वालिटी मिली हो, अच्छी हो या बुरी हो, हमें हो या आपके पास हो, ठीक है, हमारा हो, आपका हो, किसी का हो, वो सब का सब क्या है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये सब ईश्वर का देन है, गॉड का देन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहादुरी क्या हो गया, इन जनरल यूज हो गया। यहाँ पे ये ब्रेवरी स्पेसिफाइड नहीं हो पा रहा है, स्पेसिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल दो का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ये आपके कॉमन एरर का पार्ट बनेगा। बात समझ में आ गई। तो आइए अब मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों ही टाइप्स पे बेस्ड, इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, कुछ एग्जाम्पल लेने के बाद, हम लोग ऐसे से प्रीवियस ईयर में मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये मटेरियल नाउन पे पूछे गए आपके एसएससी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से इनको एक बार सॉल्व करने का जल्दी से प्रयास करें। आइए अब हम लोग यहाँ पे सीखें कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। सबसे पहले ये मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन, ठीक है। अब आइए सीखते हैं बटर कैसे बनाया जाता है। तो बटर को बनाने का तरीका बताया जा रहा है, बटर वाज पुट इन टू एन ओवन, उसको ओवन में रखा जाता है, बेक उसको पकाया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे तक। सबसे पहले ये बटर था मटेरियल नाउन, और इसका यूज़ किसी भी स्पेसिफाइड सेंस में नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल द का यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन नंबर वन में, जो आर्टिकल द लगा है, हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। सेकंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन, अब ये दूध प्रोटीन प्रोवाइड कराता है हम लोगों को, प्रोटीन में सॉरी मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मिल्क है, फिर से ये स्पेसिफाइड सेंस एक्वायर नहीं कर रहा है, इसका यूज किसी भी स्पेसिफिक सेंस में नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, आर्टिकल ए को रिमूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में, द चाइनीज टी। अब देखिए जो टी है ये क्या है, मटेरियल नाउन है, और ये पूरे दुनिया में किसी भी चाय की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज टी स्पेसिफाइड हो गया, स्पेसिफाइड हो गया, इसलिए इसके पहले यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, ये करेक्ट है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद आइए वर्ब के सेक्शन में, ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री में कहीं कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री के आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। देखिए पूरे दुनिया भर के चाय की बात नहीं हो रही, सिर्फ उस चाय की बात हो रही है जो मैं पी रहा हूँ। तो जो हम पी रहे होंगे मेरे हाथ में होगा, हम सिर्फ उसी चाय की बात कर रहे हैं। अब टी देखिए यहाँ पे फिर से मटेरियल नाउन था, लेकिन इसका यूज यहाँ पे स्पेसिफाइड सेंस में हो रहा है, इसलिए टी के पहले हमें क्या करना होगा, आर्टिकल द का यूज करना होगा। हमारा आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर फोर का, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा द टी, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, द टी, क्लियर। चलिए तो ये था मटेरियल नाउन पे बेस्ड आपके एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। अब इनके आगे यहाँ से हम लोग निकलते हैं और चलते हैं अगले सेक्शन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बेस्ड अब आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनका भी एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेके इनको खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आइए अब इनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखिए मिजल्स बीमारी का नाम है, ठीक है। तो किसी भी डिजीज का जो नाम है, किसी भी बीमारी का जो नाम है, उसके एंडिंग में एस ई एस लगा हो या ना लगा हो, इन सबों को हम लोग मानते हैं सिंगुलर, क्योंकि इन सबों को मानते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि कोई भी बीमारी हमें आपको दिखाई नहीं पड़ती, हम लोग सिर्फ इसको फील करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसके लास्ट में एस लगा हो नहीं लगा हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और इसके साथ हम लोग वर्ब कैसा यूज करेंगे, तो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, तो आर की जगह हमें क्या करना होगा, इस। अब एक तीसरा डाउट आपके मन में आएगा कि इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कुछ बीमारियों के नाम के पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द, उनमें से एक मिजल्स भी है, तो मिजल्स के पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द का, ठीक है।
अब इसको आगे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियाँ जो जिनको नेचुरल डिजीज कंसीडर किया जाता है उनके पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। तो कंजप्शन में जो इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये सब का सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सब का सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब ये जो इंक्रीज है ये किसी भी चीज़ का इंक्रीज नहीं है, स्पेसिफाइड हो गया। किस चीज़ में इंक्रीज? कंजप्शन में। ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? तो इनकम में जो इंक्रीज होता है उसका। यहाँ भी देखिए इंक्रीज लगा हुआ है और इंक्रीज के पहले यहाँ भी, दोनों ही जगहों पे देखिए ये जो इंक्रीज है, इन दोनों ही जगहों पे इंक्रीज वर्ड का यूज़ द डिफिनेट स्पेसिफाइड निश्चित या विशेष अर्थ में किया गया है, इसलिए इनके पहले यहाँ भी आर्टिकल द का यूज़ होगा, यहाँ भी आर्टिकल द का यूज़ होगा, और इनके साथ वर्ब कैसा यूज़ किया जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर टू पूरी तरीके से करेक्ट है ग्रामेटिकली, इसलिए इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में चलते हैं। बींग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल। कभी कभी आलसी होना, ये आइडल क्या है? आलस। आलस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके लिए वर्ब यूज किया गया सिंगुलर, तो वर्ब का पार्ट करेक्ट हो गया। बींग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल बट बींग आइडल ऑल द टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम का मतलब होता है समय और टाइम्स का मतलब होता है बार। अब बार का मतलब आप दूसरा बार मत समझ लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे लोग जाया करते हैं कुछ स्पेसिफाइड पर्पज से। ठीक है, तो ये वो वाली बार नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। टाइम का मतलब होता है समय और टाइम्स का मतलब होता है बार। अब बार मतलब कितनी बार, जैसे अनेक बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, सेवन टाइम्स, नाइन टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कहीं कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पे ये जो टाइम एस लगा है इस एस को हम सिंपली रिमूव कर देंगे, मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट बींग आइडल ऑल द टाइम, हर समय हमेशा आइडल आलसी बने रहना माइट बिकम मोनोटोनस। इसको हमेशा आलसी बने रहने से ये कैसा होगा? मोनोटोनस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री के आंसर की बात करें, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोर्ड को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स, केयर्स ने केयर, द जस्टिस एंड केयर फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं। अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट। अब देखिए जो रेट है, रेट में कभी ऐसी ये नहीं लगता, एज इज फिक्स्ड बाय द कमिटी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं फिर आगे, बोर्ड को पहले क्लीन करें और अब इसके आगे हम लोग चलेंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है और इनके वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप कोई अच्छा सा बुक यूज करेंगे, उठा के उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो उस अच्छे से कम्पिटिटिव बुक में आपको दिखाई देगा एक रूल, उसमें लिखा होगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में आर वाई लगा होता है। क्या लगा होता है? तो आर वाई लगा होता है। क्या लगा होता है? आर वाई लगा होता है। तो ये रूल आपको उस बुक में दिखाई देगा, सम नाउन्स हैविंग आर वाई एट लास्ट एट द एंड या एट एंडिंग पोजिशन आर ऑलवेज प्लूरल। ये रूल मिलेगा आपको कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में आर वाई लगा होता है वो हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके 50 एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको रटना पड़ेगा। फिर वहीं पे दूसरा रूल आपको तुरंत बाद में वहीं दिखाई देगा, ऐसे कुछ नाउन जिनके लास्ट में आर वाई लगा होता है ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया कि ऑलवेज प्लूरल और यहाँ पे बता दिया गया ऑलवेज सिंगुलर। और फिर कुछ बुक्स में एक और रूल मिलेगा आपको कि ऐसे कुछ नाउन जिनके लास्ट में आर वाई लगा होता है ये कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रूप से यूज किया जाता है। ठीक है, और इन सबों के आपको 50-50 एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कम से कम ये दोनों रूल तो हर बुक में आपको दिखाई पड़ता है, कोई भी अच्छा सा बुक हो तो उसमें आपको दिखाई देगा।
अब इन दोनों को मिला के आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके 100। अब आप 100 वर्ड रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे एग्जाम में, और वहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा तो किसी एक वर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, और उस वर्ड को देखते ही आप फिर से कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमने इसको सिंगुलर में याद किया था या प्लूरल में याद किया था, ये दोनों वाले में था, फिर कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने कलेक्टिव नाउन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, ये किसी बुक में रिटन नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया। अब ये तीनों टाइप क्या हैं, आइए इनकी चर्चा करें। तो सबसे पहला टाइप है हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। फिर दूसरा क्या मिलेगा, तो दूसरा हमें मिलता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या मिलेगा, तो तीसरा हमें मिलता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये 3 ऐसे टाइप्स में हमने कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहां से विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन तीनों नाउन में क्या क्या डिफरेंस है, और इन तीनों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इनसे किस किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग इनको 1 by 1 करके सीखना यहाँ से शुरू करते हैं कि आखिर ये तीनों हैं क्या, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग इनको कैसे समझेंगे, और फिर इनसे अपने SSC एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन से। अब देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, सबसे पहले कलेक्टिव नाउन क्या है, तो कलेक्टिव बना किससे, कलेक्शन से। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, भीड़, समूह, संग्रह, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ऐसे कई पेन को जब मैं इकट्ठा करूंगा तो इन सारे पेन्स का क्या बनेगा, एक ग्रुप बन जाएगा, भीड़ बनेगा, संग्रह होगा, उसमें एक से ज़्यादा पेन्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे किसी भी ग्रुप को या संग्रह को हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे आपके डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, हम लोग ग्रेप्स खाते हैं, अंगूर खाते हैं, अंगूर जो होता है कैसे मिलता है, हमको गुच्छे में मिलता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इनसे भी रिलेटेड आपके SSC एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बंच बोलते हैं। चाबियों के गुच्छे को क्या बोलते हैं, जानवरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो सिप होते हैं, भेड़ होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड सो ऑन। इससे आपके SSC एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में एक नंबर के क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, CHSL में भी देखने को मिलते हैं, CGL में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि SSC के किसी भी एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता रहता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चर्चा कर रहे थे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जनरलाइजिंग किससे बना, जनरल से। जैसे हम जनरल हैं, आप जनरल हैं, या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को कुछ अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, एक जनरल कैटेगरी, एक OBC, एक SC ST एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ माइनॉरिटीज वगैरह वगैरह। तो किसी एक विशेष डिफिनेट क्राइटेरिया के आधार पे लोगों को ऐसे ग्रुप में डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। हमारा आपका मान लीजिए कि मैं जनरल ग्रुप का हूँ, और हमारा आपका या हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे आपके चेहरे, आकार, प्रकार, रूप, रंग, साइज सब अलग अलग हो सकते हैं, बट इनके अंदर एक कॉमन चीज़ तो ज़रूर होगी जिसके आधार पे इन लोगों को या हम लोगों को या अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया में गवर्नमेंट ने डाल रखा है, बात समझ में आ रही है। तो इन द सेम वे ये जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो दिखने में अलग अलग टाइप के होते हैं, दिखने में अलग अलग हों या अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हों, किंतु इनमें किसी एक ही चीज़ की प्रधानता हो, मूल रूप से कोई एक ही चीज़ इनके अंदर प्रेजेंट हो। जैसे हमारे आपके घर में सोफ़ा होता है, पलंग होता है, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट क्या हम केवल सोफ़ा को फर्नीचर बोल सकते हैं? बोलचाल में तो घर में बोल ही लेते हैं, स्पोकन है भाई, स्पोकन में आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब जायज़ है।
बट ग्रामर में ये जायज नहीं होता। ठीक है, आप जानते होंगे या आप ऐसे कई चीज़ों को यूज़ करते होंगे जो स्पोकन में हम लोग करेक्ट मानते हैं बट ग्रामर में उसको इनकरेक्ट माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन द सेम वे केवल एक सोफ़ा को, केवल एक चेयर को, केवल ड्रेसिंग टेबल को, केवल डाइनिंग टेबल को हम लोग फर्नीचर नहीं कहेंगे। इनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फर्नीचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे एक सामान्य सी परंपरा है हमारे आपके समाज में कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के घर वाले लड़के वालों को फर्नीचर का सेट गिफ्ट करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, चेयर, सोफ़ा, पलंग, दीवान वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, उसमें हमारे आपके घर में होता भी है ड्रेसिंग टेबल। अब वो जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है, जैसे ग्लास शीशा आपको दिखाई पड़ता है, उसके जो ड्रावर्स होते हैं उसमें अलग अलग मेटल के हैंडल्स लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। किंतु वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर भी बना हो, लेकिन ये जो फर्नीचर का सेट है ये बेसिकली किसी एक ही चीज़ का बना होता है और मुख्य रूप से उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो लकड़ी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कलेक्टिव नाउन जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हो, दिखने में अलग अलग हो, किंतु बेसिकली वो किसी एक ही चीज़ का बना हो, उनमें एक ही चीज़ की प्रधानता हो, ऐसे सारे कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब इनका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे ज्वेलरी, ये ज्वेलरी। ठीक है, जैसे सीनरी, सीनरी, या हम लोग कहते हैं फर्नीचर। ठीक है, या लगेज। ठीक है, एटसेट्रा। अब क्या है कि ये सारे एग्जांपल्स तो हो गए, अब इससे रिलेटेड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के रूल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे दिखाई पड़ते हैं, आइए हम लोग इनकी चर्चा करें। बट फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो आर वाई लगा हुआ है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि इनके लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो आर वाई लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आर वाई लगा हुआ है और ये कलेक्टिव नाउन है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। अब इनके रूल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इनका पहला रूल है रूल नंबर 1, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, इट इज ऑलवेज सिंगुलर and takes a singular verb. अगला है it takes article the. ये अपने पहले क्या लेता है, तो article the लेता है। एक example होना चाहिए। एग्जाम्पल लेने के पहले इनको आप थोड़ा ठीक से समझ लें। जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है उसके पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द का। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, दैट इज इनका प्लूरल कभी पॉसिबल नहीं है। तो इनका कभी एस एस लगा के हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही इनके साथ हम लोग कभी प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमारा एग्जाम्पल है The furnitures are old. अब जरा यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? फर्नीचर दिखाई दे रहा है। फर्नीचर में देखिए यहाँ पे इस लगा हुआ है, इसके साथ वर्ब यूज किया गया प्लूरल। तो हम लोगों का एक कॉमन माइंडसेट बना होता है, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसी भी नाउन के लास्ट में इस लगा हुआ है, दैट इज कि ये है प्लूरल और वर्ब लेगा प्लूरल। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्लांस में, पहली नज़र में ये क्वेश्चन हम सबों को बिल्कुल सही लगता है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फर्नीचर हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा? हमेशा सिंगुलर लेगा।
तो फर्नीचर में आज इस लगाए, हमें इसको रिमूव करना होगा और इस आर की जगह हमें लिखना होगा इस। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो एक ये एग्जाम्पल था, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन की तरफ। देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, ऐसे कोई भी कलेक्टिव नाउन, ऐसे कोई भी कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जो दिखने में एक समान हो। कैसे हो? दिखने में एक समान हो, एक जैसे हो, और जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे उन सारे कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स। बात समझ में आ रही है? कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे आपके टेलीविज़न चैनल पे कुछ सीन दिखाया जाता है, कहाँ का, रेड फोर्ट वाला, ठीक है। तो हमारे आपके देश में 26 जनवरी 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है, फिर उसके बाद जो फ्लैग मार्च होते हैं और भी जो वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट हम सबको टीवी पे देखने को मिलता है। आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, एयरफोर्स का विंग फ्लैग मार्च करता हुआ नज़र आता है, एनसीसी के ग्रुप फ्लैग मार्च करते हुए नज़र आते हैं, इंडियन नेवी के, इंडियन आर्मी के अलग अलग तरीके के ग्रुप वहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपके अपने बड़े भैया इंडियन एयरफोर्स में काम करते हों और एयरफोर्स का जो ग्रुप जो विंग उस समय वहाँ पे फ्लैग मार्च करता हुआ नज़र आ रहा हो, उसमें आपके भैया भी शामिल हो, ठीक है, और आपके सामने टीवी की जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो सकती है वो आपको बड़ी से बड़ी स्क्रीन अवेलेबल करवाया जाए, और जिस समय वो टीम सामने से फ्लैग मार्च करती हुई नज़र आ रही हो, आपके टीवी के स्क्रीन पर दिखाई जा रही हो, ठीक उसी समय आपसे कहा जाए आप इस स्क्रीन पे एक नज़र डालिए और एक नज़र में अपने भैया को पहचान लीजिए। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में जितने लोग दिखाई पड़ते हैं वो दिखने में एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे थे रिसेंट टाइम में कि जो किसान आंदोलन चल रहा था न्यू फार्म बिल को लेकर, जो मोदी जी लेकर आए थे, केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसके अगेंस्ट में जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें आप देख पा रहे होंगे, कभी आपने नोटिस किया हो तो इसको ध्यान दीजिए, उसमें जितने किसान दिखाई पड़ते हैं सब आपको एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, सबका एक ही टाइप का ड्रेस होता है, ठीक है। कुछ ही लोग अलग अलग नज़र आते हैं, जैसे कुछ सिख लोग पगड़ी के आधार पर अलग अलग कलर का पगड़ी पहन लिए तो उनका पगड़ी केवल आपको अलग अलग दिखाई देगा, यदि सबों का पगड़ी का कलर सेम कर दिया जाए तो सभी आपको एक समान दिखाई पड़ते हैं, महसूस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन सारे कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। आइए इनका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है इनका कैटल, कैटल, ठीक है, फिर पोल्ट्री, पोल्ट्री पिजेंट्री, पिजेंट्री जेंट्री, जेंट्री इन्फेंट्री, कैवलरी एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे ना होना, कैटल का मतलब क्या, गाय भैंस का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है। अब कैटल के ग्रुप में गाय बैल भैंस बकरी सबको एक साथ मिला के हम लोग बोलचाल की भाषा में आमतौर पे स्पोकन में यूज कर लेते हैं कैटल, बट ऐसा होता नहीं। कैटल का मतलब किसी एक ही कैटेगरी का जानवर हो, एक ही टाइप का जानवर, ठीक है, सबको मिला के हम लोग नहीं करते। पोल्ट्री आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग नॉन वेज जरूर खाते होंगे, तो मुर्गा मुर्गी वाला जो दुकान है वहाँ पे आप जाते ही रहते हैं। पिजेंट्री कृषक वर्ग किसान वर्ग, जिसका एग्जांपल अभी हम आपको दे रहे थे। जेंट्री क्या होता है? रईस लोग, कुलीन लोग, जैसे किसी फिल्मों में आप देखते हैं कि सब लोग कोट ब्लेजर वगैरह पहन के महंगी महंगी कारों से उतरते हैं, सबका लुक एक जैसा होता है, ऐसे रिच क्लास को हम लोग कहते हैं जेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है? पैदल सेना, पैदल सेना, जैसे किसी भी युद्ध में आप देखते हैं, जैसे आप कोई रामायण महाभारत टाइप का सीरियल देखिएगा तो उसमें देखेंगे, किसी दो राजाओं का वॉर देखिएगा तो उसमें देखेंगे सबसे आगे पैदल सैनिक होते हैं, दे आर कॉल्ड इन्फेंट्री। उसके पीछे देखेंगे आप घोड़े पर सवार सेना होते, पैदल सैनिकों के पीछे घोड़े पर सवार सेना आपको दिखाई देते, उसको हम लोग कहते हैं कैवलरी, घुड़सवार सेना हिंदी में, ठीक है। तो इनका मीनिंग हम लोग जान गए। अब आइए इनके रूल की बात करें, तो इनका पहला रूल है इट टेक्स आर्टिकल
इट टेक्स आर्टिकल द। दूसरी बात करें हम लोग, इट इज ऑलवेज प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब, एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो ये होता भी है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ये बात समझ में आ रही होगी आप सबों को। अब आइए इन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक दो इनका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, सर ने ये सारे रूल बता दिए, इसको एक्सप्लेन किया नहीं, समझाया नहीं, क्या है कैसा है। तो सबसे पहले कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन को पहचानना आप सीख चुके हैं, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा होता है प्लूरल, वर्ब लेता है प्लूरल। चूंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, पहले से प्लूरल है, इसलिए इनके लास्ट में फिर से एसीएस लगाकर इनका प्लूरल बनाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी कैसे हैं प्लूरल है, जैसे ये कैटल क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है। इन्फेंट्री क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, तो इन्फेंट्री का इन्फेंट्रीज नहीं बनेगा। ठीक है, कैटल का कैटल्स नहीं बनेगा, और इनके साथ वर्ब हमेशा कैसा लगता है, प्लूरल। तो यदि इनके लास्ट में आपको एसीएस नहीं दिखाई पड़ता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया जाए, तो हमारा आपका बचपन से जो माइंडसेट बना हुआ है, किसी नाउन में एसीएस लगा है मतलब प्लूरल, नहीं लगा मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर रहेगा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल दिखेगा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसमें एसीएस अलग से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, नहीं लगाया जाता है, और लगा दिया जाए तो ग्रामेटिकल एरर बन जाता है। ठीक है, तो इनमें एसीएस नहीं लगेगा, किंतु वर्ब इसके साथ हमेशा यूज होगा प्लूरल, और इनके पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द का। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब इसी पे बेस्ड ये छोटा सा एग्जांपल था हम लोगों के लिए। यहाँ देखिए आर्टिकल द लगा है, दैट इज ये पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। अब फिर देखिए ये जो कैटल है, कैटल में आप यहाँ देख पा रहे हैं एसीएस लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एसीएस हटा देंगे। अब ये पार्ट करेक्ट हो गया, और ये वर्ब का पार्ट कैसा है, प्लूरल है, ये पार्ट भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कलेक्टिव नाउन, ऐसे कोई भी कलेक्टिव नाउन जो कभी दिखने में जो कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं, ऐसे इन सारे कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एक बार फिर से, ऐसा कोई भी कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में यूनाइटेड होता है, कभी आपस में डिवाइडेड होता है, ऐसे इन सारे कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसको ठीक से समझिए, जैसे कुछ एग्जांपल ले हम लोग, गवर्नमेंट, कमेटी, अलायंस वगैरह वगैरह। इसको ठीक से समझिए कैसे, जैसे आप इंडियन पार्लियामेंट का एग्जांपल ले लीजिए। पार्लियामेंट में दो अलग अलग लेवल हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों जो अलग अलग लोकसभा है राज्यसभा है, दोनों को अगर हम कंबाइन भी कर दें, तो कंबाइन करके हम उसको कह सकते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान वॉर की चर्चा हो, इंडिया चाइना वॉर की चर्चा हो, तो देश के संसद में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या दोनों ही सदन हो, दोनों में जितने भी नेता हैं, चाहे उनकी पार्टियां जो भी हो, चाहे उनका अलायंस जो भी हो, चाहे उनका अपना सेल्फ ओपिनियन जो भी हो, लेकिन जैसे ही वॉर की बात आएगी, सभी नेता एक स्वर में और सभी पार्टियां एक स्वर में बोलती हैं कि इंडिया को इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अर्थात कि युद्ध वाले मुद्दे पे जो हमारा पार्लियामेंट है वो कैसा हो गया, यूनाइटेड हो गया। लेकिन उसी पार्लियामेंट में जैसे ही महिला आरक्षण की बात होती है कि महिलाओं को चुनाव में 50% आरक्षण दिया जाए, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अपने लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें या कंबाइंड रूप से पार्लियामेंट की बात कर लें, वो कई ग्रुप में बंट जाता है। कुछ लोग उसके सपोर्ट में, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में, और कुछ लोग दोनों में न्यूट्रल होते हैं, वो चुपचाप
सदन से वॉकआउट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए कि ये जो अपना लोकसभा था, राज्यसभा था या पार्लियामेंट था, किसी मुद्दे पे आपस में यूनाइटेड हो गया, किसी मुद्दे पे आपस में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे इनको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आइए इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, अलायंस, ज्यूरी एटसेट्रा, ठीक है। आइए इनका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। द ज्यूरी डैश, अब यहां पे आपको वर्ब यूज करना है, सिंगुलर या प्लूरल। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए इन दोनों ही क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये ज्यूरी दिखाई दे रहा है, ज्यूरी के लास्ट में देखिए आरवाई लगा हुआ है, और ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, जैसे दो चार पांच जज का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्यूरी बोलेंगे। अब यहां देखिए सेंटेंस में आपको क्लू गिवन है, ये डिवाइडेड है, ये यूनेनिमस है। अब इनका रूल क्या था? इनके रूल को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। तो इनका रूल क्या था? आइए सबसे पहले रूल की चर्चा कर लें। तो रूल नंबर वन है, इट टेक्स आर्टिकल द। इसके पहले भी हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द का। इसका दूसरा रूल है, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन यूनाइटेड। जब ये आपस में यूनाइटेड होगा, एकजुट होगा, तो ये कैसा वर्ब लेगा? तो ये लेगा सिंगुलर वर्ब। इसका तीसरा रूल है, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन डिवाइडेड। जब ये आपस में डिवाइडेड होता है तो इसी को हम लोग मानते हैं प्लूरल, और इसके साथ वर्ब यूज करते हैं प्लूरल। बात समझ में आ रही है? जब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, जब ये आपस में डिवाइडेड होगा तो हम लोग इसी को मानते हैं प्लूरल, वर्ब देंगे प्लूरल। इसमें अलग से एसीएस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जब ये आपस में यूनाइटेड होता है, एकजुट होता है, तो इसी को मानते हैं सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर, ठीक है। अब आइए इसी कंडीशन को हम लोग ऊपर अप्लाई करते हैं। इसका आप देखेंगे कि सेंटेंस में क्लू गिवन होता है। यदि आपको यूनाइटेड, डिवाइडेड इस टाइप का कोई वर्ड सेंटेंस में अवेलेबल दिखाई न पड़े, तो उस सेंटेंस में आप देखेंगे कुछ ना कुछ क्लू गिवन होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस ज्यूरी को या यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन लिखा होता है, इसे हमें सिंगुलर मानना है या प्लूरल मानना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? देयर। तो अब देयर कैसा होता है? दे फैमिली का मेंबर है, और दे को हम लोग क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। ये क्लू दे रहा है कि हमें इसको क्या मानना है? प्लूरल। तो हम यहां क्या यूज कर लें? अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो, वॉज और वर, तो हम क्या यूज करेंगे? वर। अब ऊपर वाले में देखें, यूनेनिमस, यूनेनिमस का मतलब एकजुट, यूनाइटेड। अब ये यूनाइटेड का सेंस दे रहे, तो यूनाइटेड हो गया, तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। तो यहां पर यदि पास्ट का वर्ब यूज करना हो, वॉज और वर हमारे पास ऑप्शन में हो, वॉज और वर हमारे पास ऑप्शन में हो, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वॉज का। किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के रूल्स को भी सीखा, और इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। अब आइए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन के कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इन सबों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इनको बनाने का प्रयास कीजिए।
तो आइए अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये लगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर इसमें सी एस नहीं लगाते हैं, तो इसका इस यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे और इस आर की जगह यूज करेंगे इसका। अब आपके एग्जाम में मान लीजिए कि ये सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एरर दो सेक्शन में दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको एरर किसी भी एक ही सेक्शन में दिखाई पड़ेगा या इन दोनों को मिला के एक ही सेक्शन बना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगले में चलते हैं। फिर देखें यहाँ लगेज में क्या लगा हुआ, एस सी एस, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एस सी एस को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट द ज्यूरी, देखें ये ज्यूरी मिल गया, अब यहाँ पे लगा हुआ एज और यहाँ है डिवाइडेड, डिवाइडेड हो गया और यहाँ फिर देखिए दिया हुआ है देयर, ये हमें क्लू दे रहा है कि इसको ज्यूरी को कैसा मानना है, प्लूरल, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे आर में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेज, लगेज का एस एस रिमूव करेंगे, इस आर को कन्वर्ट करेंगे इज में, आर को किस में, इज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग, द कंटेंट्स ऑफ द रूम कंसिस्टेंट ऑफ अ कारपेट एंड अ फ्यू फर्नीचर्स, अब फर्नीचर में फिर से देखिए यहाँ पे एसीएस लगा हुआ है, इस एसीएस को हम लोग रिमूव कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से देखिए, फर्नीचर में एसीएस लगा है, एसीएस को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा ए। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या कुछ क्वेश्चन है, इनका भी एक बार फटाफट जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, फर्नीचर, फर्नीचर कैसा है, सिंगुलर है, इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, ये पार्ट करेक्ट है, ये पार्ट भी करेक्ट है और इस वर्ब का पार्ट भी करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, यहाँ पे देखिए फर्नीचर में एसीएस लगा हुआ है तो सेम ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए विदाउट एसीएस। तो अब जरा देखिए यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है और द वाला कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब ये देखिए ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ हम लोग एनी का यूज़ करते हैं, तो हम लोग एनी का यूज़ कर सकते हैं, एनी डिसेंट फर्नीचर, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अ डिसेंट फर्नीचर, देखिए यहाँ फर्नीचर में एसीएस लगा हुआ है, ये भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका प्रेफरेबल आंसर हमारा क्या बनेगा, अपने एग्जाम में यदि सेम क्वेश्चन दिखाई पड़े तो हम क्या आंसर करेंगे, हम आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 100 कैटल्स, अब देखिए कैटल ऑलरेडी होता है प्लूरल, इसमें अलग से एसीएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वर्ब लेता है प्लूरल, तो वर्ब का पार्ट करेक्ट है, इसके नाउन वाले पार्ट में एरर था। इस क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की बात करें तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चले, हिज हाउस हैज नो फर्नीचर सीट, फिर से यहाँ पे फर्नीचर में जो एसीएस लगा है इसे हमें हटाने की ज़रूरत है, तो विदाउट एसीएस देखिए ऑप्शन नंबर क्या मिला, सी। देखिए टेंस हम चेंज करेंगे नहीं तो हैड की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे देखिए हैव इस वर्ब को ही चेंज कर दिया गया, तो हम वर्ब को चेंज नहीं कर सकते, ये वर्ब हमारा सही है और यहाँ पे फर्नीचर वाला पार्ट भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसके आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।